राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के त्योहार को लेकर पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इस संबंध में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक 13,000 किलो पटाखे जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, अगर लोग नहीं मानेंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पिछले कई वर्षों से दिवाली के अवसर पर दीयों से, त्योहार से हम सब लोग खुशियां तो मनाते हैं, लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण हम सभी लोग चिंतित रहते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर पटाखे नहीं, दिए जलाओ, लेकिन हमें पता चला है कि कई लोग अभी भी छुप छुप करके पटाखे जलाने का प्लान कर रहे हैं। पुलिस की सभी थानों में लगभग पेट्रोलिंग टीम बन चुकी है जो फील्ड में काम कर रही है। लगभग 13,000 किलो से ज्यादा अभी तक पटाखे, जो अवैध पटाखे थे, वो बरामद हो चुके हैं। 35 लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी पुलिस की टीमें, एसडीएम की टीमों को कल हमने 24/7 मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग के लिए निर्देश दिया था और सभी लोग काम कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के लोगों से अपील की गई है कि वो संकल्प ले कि इस बार पटाखों से नहीं, दीयों से दिवाली मनाई जाए। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में दीपावली से एक दिन पहले एयर क्वालिटी पिछले 5 साल की तुलना में सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि 13,000 किलोग्राम से अधिक अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं और पटाखा रोधी अभियान के तहत 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।